गुस्से को कैसे जीता जा सकता है? क्या गुस्से को जीतना संभव है? क्या आप सचमुच ही गुस्से से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप सब गुस्से को छोड़ने के लिए तैयार हैं? जो जो गुस्सा छोड़ना चाहता है वो अपना दाहिना हाथ खड़ा करे। आप कहेंगे छोड़ना है, तभी तो यहाँ आए हैं। छोड़ना तो चाहते हैं पर छूटता नहीं, चाहते तो बहुत कुछ है पर होता नहीं, जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होना चाहिए वो करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो हो जाता है और जो करना चाहिए वो होता नहीं। आज हम आपको वो महामंत्र देंगे, वो तरीके बताएंगे जिससे गुस्से को जीता जा सकता है। निश्चित तौर पे गुस्से को जीतना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की तरह है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो इस महाअभियान में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि गुस्से को जीतने से आपको ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप गुस्से के ऊपर काबू पा लेंगे तो आप खुश रहना सीख जाएंगे। अगर आपने गुस्से के बजाय प्यार से बात करना सीख ली तो इससे आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अगर आप प्यार से बात करेंगे, गुस्से को छोड़ देंगे तो आप हल्के रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। कितने फायदे गिनाना चाहें गुस्से को छोड़ने से हो सकते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप में से किस किस को प्यार से बात करना आता है? जो प्यार से बात कर सकते हैं वो हाथ खड़ा करो। जो आपसे प्यार से ना बात करे, क्या आप उससे भी प्यार से बात कर सकते हो? वो हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। अगर आप प्यार से बात करना जानते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप हर व्यक्ति से प्यार से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि जो आपसे प्यार से बात करे उससे आप प्यार से बात करेंगे और जो गुस्से में बोलेगा तो आप भी गुस्से का जवाब गुस्से में देंगे। अगर आपको सचमुच प्यार से बात करना आता है तो आप हर व्यक्ति से प्यार से बात करोगे और हर जगह हर वक्त प्यार से बात करोगे। ये नहीं कि जब मतलब है तब तो प्यार से कर रहे हो, मौका देख के प्यार दिखा रहे हो। अगर आपको प्यार से बात करना आता है मतलब फिर आप हर वक्त हर किसी के साथ और हमेशा प्यार से बात करोगे। क्या आप कर सकते हैं? जो व्यक्ति आपसे बात ही ना करे, क्या आप उससे भी प्यार से बात कर सकते बताइए। अच्छा, जो व्यक्ति आपसे बात प्यार से नहीं कर रहा वो अपने बारे में फैसला कर सकता है कि उसे कैसे बात करनी है, उसे प्यार से करनी है या गुस्से से करनी है। क्या वो व्यक्ति आपके बारे में भी फैसला दे सकता है कि आपको उससे कैसे बात करनी है? अगर आपने उसको देख के बात की, उसने प्यार से बात की और आपने भी प्यार से की, उसने गुस्से में की तो आपने भी गुस्से में की, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसके आधार पर बात कर रहे हो? उसके आधार पे। वो व्यक्ति डिसाइड कर रहा है कि आप कैसे बात करेंगे। आप कहते हैं वो जितना प्यार से बात करेगा मैं भी उतने ही प्यार से करूँगा, ना ज़्यादा ना कम। जितना वो दिखाएगा प्यार उतना ही प्यार मेरा है। क्या इसे प्यार से बात कहना करना कहेंगे? अगर वो व्यक्ति हमें कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब वो चाहे तो हम प्यार से बात करते हैं, वो चाहे तो हम कम प्यार से बात करते हैं, और अगर वो चाहे तो हम गुस्से से भी बात करते हैं,
इसका मतलब हमें कौन कंट्रोल कर रहा है, हमें कौन नियंत्रित कर रहा है, हमें कौन चला रहा है, वो व्यक्ति। जैसा जैसा वो कर रहा है वैसे वैसे हम भी करते जा रहे हैं। मतलब वो मालिक है, हम नौकर हैं, वो जैसा करता है वैसे ही हम भी कर रहे हैं। तो हमारा कंट्रोल रिमोट किसके हाथ में हुआ फिर? उसके हाथ में हुआ ना। घर में आप टीवी देखते हैं तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में रखते हो? अपने हाथ में रखते हो कि दूसरों को दे देते, जो तुमने दिखाना मैं देख लूंगा? घर में किस किस के झगड़ा होता है रिमोट कंट्रोल के लिए? आजकल झगड़ा ना हो, लोगों ने अपने अपने टीवी लगा लिए, हर कमरे में अपना अपना देख रहे हैं। हस्बैंड लग देख रहा है, वाइफ लग देख रही है, बच्चे लग देख रहे हैं, सास लग देख रही है, बुजुर्ग लोग आस्था देख रहे हैं, माताएं सोनी टीवी देख रही हैं सीरियल, बच्चे कार्टून देख रहे हैं और भाई लोग न्यूज सुन रहे हैं। आज क्या हुआ, कहां पर क्या हुआ, उनका अपना अपना इंटरेस्ट है। क्यों सब अपना रिमोट कंट्रोल लग रखे हुए हैं, या एक रिमोट कंट्रोल हो तो सब अपने हाथ में क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि सबको पता है कि जिसके हाथ में रिमोट उसकी पसंद का चैनल चलेगा, जो वो देखना चाहेगा वही सब देखेंगे। फिर अब मान लो देखते देखते क्या हो, कुकर की सीटी बज जाए किचन से। अब फटाफट आपने कुकर गैस कम करने जाना है, जाएंगे ना चूल्हे की, कम करेंगे उसकी, तो रिमोट साथ लेके जाएंगे या वहीं छोड़ के चले जाएंगे? साथ लेके जाएंगे, क्यों? नहीं तो बच्चे ले लेंगे हाथ में, कोई ना कोई दूसरा ले लेगा और फटाफट वो अपना चैनल चला देगा। तो वहां हमें पता है कि अगर हमने मनपसंद चैनल देखना है तो रिमोट अपने हाथ में रखना है। इतनी समझ हमें है, हर व्यक्ति को है, बच्चों को भी है। बच्चे भी कहेंगे रिमोट हमारे हाथ में ही रहे। अच्छा, वो तो स्थूल बात हो गई। अब हमारे मन का रिमोट कंट्रोल, वो किसके हाथ में है? हमारे मन का, हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है या हमने किसी और के हाथ में दिया हुआ है? और एक के हाथ में दिया है या सबके हाथों में दे रखा है? कोई भी व्यक्ति रास्ता चलता हमें कुछ बोल दे, गुस्सा आ जाएगा। इसका मतलब उसने गुस्सा दिलाया ना, तो रिमोट किसके हाथ में? उसके हाथ में। वो बटन दबा दे आप गुस्से में लाल, और वो कह दे जी बड़े सुंदर लग रहे हो आज, आप खुश हो गए, तो खुशी का रिमोट किसके हाथ में? दूसरे के हाथ में। जब जब वो बटन दबाता है आप या तो खुश हो जाते हो या परेशान हो जाते हो। जब हम ये कहते हैं कि उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति मुझे चला रहा है, रिमोट उसके हाथ में मैंने दे रखा है। अब अगर गुस्से को जीतना है तो अपने मन का, अपनी खुशी का रिमोट किसको देना है? अपनी जेब में पक्का संभाल के रखना है। किसी दूसरा आपको स्विच ऑन कर दे, स्विच ऑफ कर दे, आप कहते हैं इसने मेरा मूड ऑफ कर दिया, मेरा तो अच्छा था, मैं खुश बैठा था, वो आया उसने ऐसी बात कह दी, मेरा मूड ऑफ हो गया। मूड ऑफ हो गया मतलब रिमोट का स्विच ऑफ हो गया, स्विच दबा दिया किसी ने। किसी ने तारीफ कर दी तो हम हवा में उड़ रहे हैं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और किसी ने थोड़ी देर बाद निंदा कर दी, आलोचना कर दी, तो गुब्बारे की हवा निकल गई, आप दोबारा धरती पे मुरझा के गिरे पड़े हो, खुशी गायब हो गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आज हमने अपने जीवन का, अपनी खुशी का, अपने मन का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा है।
कोई भी व्यक्ति हमें आके नचा सकता है, कोई भी व्यक्ति हमें खुशी भी दे सकता है, खुशी गायब भी कर सकता है। अब आध्यात्मिकता राजयोग हमें सिखाता है जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। अगर हमारे अंदर प्यार के संस्कार हैं, तो वो प्यार के संस्कार इतने पावरफुल हों कि दूसरा व्यक्ति हमें फिर गुस्सा नहीं दिला सके। अगर गुस्सा दूसरा व्यक्ति दिला रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा व्यक्ति आया, उसने आपको कोई बात कही, आपके अंदर था तो प्यार का संस्कार, लेकिन उसके गुस्से को देखकर अगर आपने अपने प्यार का गुण छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब वो व्यक्ति अपने गुस्से का संस्कार नहीं छोड़ रहा, तो आप अपने प्यार से बात करने का संस्कार क्यों छोड़ते? मान लो वो व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, कड़वी भाषा बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, हमेशा चिल्लाता है, शोर मचाता है, डांटता रहता है, वो उसका संस्कार है। हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं, अपनी अपनी आदतें हैं, उसका जो है वो उसके साथ है। पर आपने तो हाथ किया, खड़ा किया कि हम तो प्यार से बात करते हैं, हमारा गुण तो प्यार से बात करने का है। अब आपका संस्कार क्या इतना कमजोर था कि उसने गुस्सा किया और आप भूल गए अपने प्यार को और आप भी गुस्से से बात करने लग गए? इसका मतलब ताकतवर कौन था? जब सामने वाले का गुस्सा आप पे प्रभाव डाल के आपको गुस्से में ला सकता है, तो क्या आपका प्यार से बात करना उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डाल के उससे प्यार से बात नहीं करा सकता? करा सकता या नहीं करा सकता? जो ताकतवर होगा उसका काम चलेगा। अगर आपका प्यार ज्यादा पावरफुल हुआ तो वो गुस्सा छोड़ के वो भी प्यार से बात करेगा। अगर उसका गुस्सा ज्यादा पावरफुल हुआ और आपका प्यार कमजोर हुआ, तो आप अपने प्यार को भुला के आप भी गुस्से के शिकार हो जाएंगे। अब अपने आप को पावरफुल बनाना है। होता ये है, जब वो चिल्लाता है, शोर मचाता है, कुछ बोलता है, तो आप भूल ही जाते हो कि मेरा तो प्यार से बात करना भी मुझे आता है। आप उसके संस्कार के प्रभाव में आए और आपने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, आपने उसके गुस्से को कॉपी कर दिया और उसके गुस्से को अपने अंदर लेके आए और उसका सामना करने लग गए, और यहाँ तक कि जितना गुस्से से वो बोल रहा था उससे भी ज़्यादा गुस्से से आप बोलने लग गए, क्योंकि आपको लगा अगर इसको चुप कराना है तो मुझे और ज़्यादा चिल्लाना पड़ेगा। यही गलती हम करते हैं। अगर उसको सुधारना है, उसको सही करना है, तो तरीका क्या है कि वो गुस्से से बोले, आप उतना ही प्यार से बोलो, वो और गुस्से से बोलेगा, आप और प्यार से बोलो। धीरे धीरे आपका प्यार का संस्कार का प्रभाव उस पर पड़ेगा, वो सोचेगा भाई ये तो डिस्टर्ब हो ही नहीं रहा, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो भी धीरे धीरे अपनी वॉल्यूम कम कर देगा और पूरी प्यार से बात करने लग जाएगा। ऐसा बनो कि जो लोग आपको कॉपी करें, ऐसा नहीं बनो कि आपको लोगों को कॉपी करना पड़े। गुस्से वाले को देख के आप भी गुस्सा कर गए, इसका मतलब आप उसको कॉपी कर रहे हैं। क्या होता है, हमारे अंदर प्यार का संस्कार भी है, थोड़ा सा गुस्से का भी है, और जो व्यक्ति सामने आपके खड़ा है उसके अंदर भी प्यार का गुण है, साथ में गुस्से का भी है। उसके गुस्से का गुण ज़्यादा है, प्यार का कम है। आपका प्यार का ज़्यादा है, गुस्से का कम है, लेकिन थोड़ा सा है। जैसे ही वो गुस्से में आता है, तो आप जो आपका बड़ा गुण था प्यार से बात करने का, उसको आप साइड करके जो थोड़ा सा अवगुण आपके अंदर है गुस्सा करना, वो ट्रिगर कर देते हो, उसको जगा देते हो, और वो जगता है तो आप भी गुस्से से बात करना लग जाते हो। अब आपने वो बनना है जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे प्यार से बात करें, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? प्यार से बात करनी पड़ेगी।
मान लो आपके घर में आपकी दरानी, आपकी जेठानी, आपकी सास, आपकी बहू, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, गलत व्यवहार करते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, हर वक्त चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, कई बार तो गुस्से में आके बर्तन भी फेंक देते हैं, हाथ भी उठा देते हैं, अब इस समस्या से कैसे निपटे? क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं, सुनाते हैं, अपनी समस्या लेके आते हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सबसे पहले तो ये सोचो, जो व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है, क्या वो मेंटली ठीक है? क्या वो नॉर्मल है? नॉर्मल तो नहीं है ना, गुस्सा करना एबनॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर गुस्सा करना नहीं है। जो व्यक्ति इतना चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, उसका कारण ये है कि वो व्यक्ति बहुत दुखी है, वो व्यक्ति अंदर से बहुत दर्द में है, अंदर से बहुत परेशान है, उसके ऊपर रहम करने की जरूरत है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, आपके साथ तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा करता है, लेकिन अपने साथ वो 24 घंटे गुस्से में रहता है, 24 घंटे ही वो डिस्टर्ब रहता है, तो अब बताओ वो व्यक्ति रहम का अधिकारी है या सजा का अधिकारी है? जो खुद ही परेशान है, दुखी है, अशांत है, तभी तो गुस्सा कर रहा है। गुस्सा कौन करता है? कौन व्यक्ति चिल्लाएगा? जो व्यक्ति अंदर से खुश होगा, संतुष्ट होगा, क्या वो गुस्सा करेगा? कौन व्यक्ति गुस्सा करता है? जो अंदर से खाली है, जो अंदर से दर्द में है, वही व्यक्ति चिल्लाता है जिसको अंदर से इनसिक्योरिटी है, जिसको अंदर से डर है, वो खालीपन जो उसके अंदर है उसको भरने के लिए चिल्ला देता है, ताकि लोगों को पता ना चले कि वो अंदर से खाली है, अपने खालीपन को छिपाने के लिए वो चिल्ला रहा है, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए वो चिल्ला रहा है। आप उसकी मानसिक स्थिति समझो। जो व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, एकदम शॉक करता है, वो व्यक्ति कितना अंदर से डिस्टर्ब होगा, कितना वो हलचल में होगा, उसकी समस्या समझो। वो दर्द में है और आपने उसने गुस्सा किया और आपने भी गुस्सा किया, तो क्या हुआ? जो उसको घाव है, आपने घाव पे मलहम नहीं लगाया, आपने क्या किया? घाव पे नमक छिड़क दिया, अब वो ठीक नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं वो गुस्सा छोड़े और सही व्यवहार करना सीख जाए, तो तरीका ये है कि जो खालीपन उसके अंदर है, जो वो असंतुष्ट है, जो दर्द उसको अंदर है, उस दर्द को दूर करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि वो दर्द में है इसलिए चिल्ला रहा है, आप उसके दर्द को देख के खुद दर्द में चले गए, खुद डिस्टर्ब हो गए, आप भी चिल्लाने लग गए, तो उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उसका दर्द अगर कम करना है तो एक ही तरीका है, प्यार से बात करना। वो गुस्सा करे, आप सोचो ये व्यक्ति डिस्टर्ब्ड है, ये थोड़ा हिल गया है, अभी दुखी है। कोई व्यक्ति, पागल व्यक्ति आपके ऊपर चिल्लाए तो आप भी चिल्लाने लगते हो, आप कहते बेचारा अनकंट्रोल्ड है, इसे पता नहीं चल रहा कि क्या बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। तो गुस्से में आकर आदमी थोड़ी देर के लिए पागल सा हो जाता है, और जब वो पागल हो जाता है तभी तो गलत व्यवहार करता है। तो ऐसा व्यक्ति के ऊपर नाराज नहीं होना है, उसके ऊपर दया करनी है, रहम करनी है और प्यार से बात करनी है। जितना आप प्यार से बात करेंगे उसकी बीमारी ठीक होने लगेगी, वो गुस्सा छोड़ने लगेगा। ये बीमारी है गुस्सा करना,
नाराज होना, चिल्लाना, चुगली करना, निंदा करना, टेंशन में आना, ये क्या है? मन की बीमारियां हैं। शरीर की बीमारियां तो आपको पता है क्या क्या बीमारियां हैं, पर जितनी भी शरीर की बीमारियां हैं वो मन से पैदा होती हैं। मन बीमार है इसलिए शरीर भी बीमार हो रहा है। ये मानसिक बीमारियां हम सबको लगी हुई हैं, और एक बीमारी नहीं कई बीमारियां लगी हुई हैं। गुस्से की भी है, चिल्लाने की भी है, निंदा चुगली आलोचना नफरत डिप्रेशन टेंशन सारी बीमारियां लगी हुई हैं। अब मान लो आपने किसी की बीमारी ठीक करनी, ठीक है, वो व्यक्ति बीमार है इसलिए गुस्से से बात कर रहा है, मानसिक रूप से जो व्यक्ति आपके ऊपर चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, आप सोचिए वो मानसिक रूप से बीमार है। और अगर आपने उसकी बीमारी को ठीक करना है तो क्या तरीका है? अगर आप उसकी बीमारी ठीक करते करते खुद ही बीमार हो गए तो आपको डॉक्टर कहेंगे, एक डॉक्टर कहीं इलाज करने जाए 10 बीमारियों का, और 10 बीमारियों का इलाज करते करते 10 बीमारियां खुद को पास लेके आ जाए, खुद ही बीमार हो जाए, तो उसे डॉक्टर कहेंगे। अब वो गुस्सा कर रहा है, उसके अंदर कौन सी बीमारी है? गुस्सा करने की। उसको देख के अगर आपने भी गुस्सा कर दिया तो मतलब क्या हुआ? आपने उसकी बीमारी अपने अंदर ले आए। आप तो गए थे ठीक करने उसकी बीमारी, लेकिन हुआ क्या? आप खुद ही बीमार हो गए। तो आप बीमार नहीं होना है, उसकी बीमारी को अगर ठीक करना है तो एक ही तरीका है, प्यार प्यार प्यार। अपने आप को प्यार से इतना भरपूर कर दो, इतना भर दो कि चारों तरफ प्यार की गंगा बहा दो। अगर आपके अंदर प्यार भरा होगा तभी तो आप दूसरे को प्यार देंगे। दूसरा शक्तिहीन है, कमजोर है, इसलिए गुस्सा कर रहा है। अगर उसका गुस्सा छुड़ाना है तो उस कमजोर आत्मा में शक्ति भरनी पड़ेगी, और शक्ति वही भर सकता है जो खुद शक्तिशाली होगा, जो खुद पावरफुल होगा, जो खुद ही खाली है, खुद ही कंगाल है, जो खुद ही प्यार का भिखारी है, वो दूसरे को प्यार क्या बांटेगा? प्यार भी वही देगा जिसके पास होगा। पर हमारे पास प्यार कहाँ से आएगा? उस परमात्मा से जुड़ने से, क्योंकि वो परमात्मा ही प्यार का सागर है। अगर उससे हम कनेक्शन जोड़ेंगे, राजयोग सीखेंगे, तो हमारे अंदर प्यार का फवारा प्रकट हो जाएगा, प्यार प्रकट हो जाएगा, चारों तरफ प्यार निकलने लगेगा, फिर आप प्यार की बहती गंगा बन सकेंगे। हमें इस दुनिया में सबके साथ प्यार से चलना है, प्यार की बोली बोलनी है, प्यार से रहना है, प्यार ही बांटना है, क्योंकि ये दुनिया नफरत से नहीं किससे चलती है? प्यार से चलती है। सबको प्यार बांटना है। अभी एक गीत बजेगा कि हमें दुनिया में सबसे प्यार से चलना है।
क्योंकि जिंदगी प्यार का गीत है। यहाँ हंसते हंसते प्यार से जीवन गुजारना है। आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और अच्छी तरह से इस गीत को एंजॉय करेंगे, अच्छी तरह से अनुभव करेंगे, तालियां भी बजाएंगे, गुनगुनाएंगे गीत को और साथ में डांस भी कर सकते हैं। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्यार के दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता, प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार कर रखो नाता, ओ प्यार के दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता, प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार कर रखो नाता, प्यार लुटाते सबको, प्यार लुटाते सबका प्यारा बनना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, प्रेम की बोली बोलो, बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना 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 सीखो जी। किसी शायर ने बहुत सुंदर फरमाया है, क्या शान तुम्हारी घट जाती, क्या शान तुम्हारी घट जाती, या रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा अगर वही प्यार से कहा होता। क्या फर्क पड़ता है, अगर हम प्यार से बात कर लें तो हमारा कोई नुकसान है, हम कुछ घिस जाएंगे, हमारा कुछ घट जाएगा, और ही प्यार बढ़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी प्यार का गीत है। यहाँ हंसते हंसते प्यार से रास्ते कट सकते हैं, गुस्से में लड़ झगड़ के, ये दुनिया कोई लड़ाई का मैदान नहीं है, ये दुनिया कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है कि आप तलवार लेके हमेशा लड़ते रहो, यहाँ हम मिलजुल के प्यार मोहब्बत से भाईचारे के साथ रहने के लिए आए हैं, हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है, सबसे प्यार से बात करनी है, क्योंकि एक सेकंड का गुस्सा आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, एक सेकंड में गुस्से में आए जीवन तबाह हो सकता है,
क्रोध के परिणाम क्रोध के कारणों से ज़्यादा भयंकर होते हैं। कई बार हम एक्सक्यूज देते हैं, ये हुआ इसलिए गुस्सा आया, लेकिन जब एंड में परिणाम निकलता है तबाही मच जाती है। घर जल के राख हो जाते हैं, देश वीरान हो जाते हैं इस गुस्से के कारण। दुनिया में जितने लड़ाई झगड़े आज हुए हैं, विश्व युद्ध हुए, बड़े बड़े महायुद्ध हुए, केवल इस गुस्से और नफरत के कारण हुए। गुस्सा इतना खतरनाक है, आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है हमें। थोड़ी देर के लिए हम अपना आपा खो बैठते हैं, आदमी की मत मारी जाती है जब गुस्सा आ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गीता में कहा गया है कि इंसान को गुस्सा कब आता है, जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो तो इंसान को गुस्सा आता है। तो इच्छाओं की पूर्ति ना होने पे बुद्धि गुस्सा आता है, और गुस्सा जब आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो सर्वनाश हो जाता है, सब कुछ लूट जाता है। इतना नुकसानदायक है गुस्सा। छोटी छोटी बातें उसमें हम गुस्सा कर लेते हैं। कई लोगों के तो घरों में दिन की शुरुआत ही गुस्से से होती है। सवेरे आंख खोलते ही अगर चाय आने में देरी हो गई, जनाब उबल पड़े, आंख झपकते ही अगर किसी की कमी देख ली, गुस्से का भूत हो गया सवार। ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं मिला, रोटी कच्ची रह गई, परौंठा जल गया, सब्जी में नमक तेज हो गया, तो समझो आ गया गुस्सा। ये गुस्सा बहुत खतरनाक है। जब आता है तो हम क्या क्या बोलते हैं पता है, कैसे चिल्लाते हैं। कभी अपना फोटो निकालो, कैमरा लगा के रखो गुस्से के टाइम, और बाद में देखो। जब आप मिरर के आगे खड़े होते हैं तो मुस्कुराते हैं ना, क्यों मुस्कुराते हैं, कैसे देखो चिल्ला के, थोड़ा शक्ल गुस्से वाली करके अच्छी खुद को नहीं लगेगी, गुस्से वाली शक्ल खुद को भी अच्छी नहीं लगेगी, दूसरा तो कहेगा रावण रावण की तरह दिख रहा है इस वक्त गुस्से वाला। तो जब हम गुस्से में आते हैं ना, कहते हैं मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगा, आज इसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा, इसके होश उड़ा दूंगा, आज इसका इलाज करके छोड़ूंगा, ये समझता क्या है अपने आप को, आज इसे मैं सेट करके ही छोड़ूंगा। दूसरों को सेट करने के चक्कर में खुद क्या हो जाते हैं, खुद अपसेट हो जाते हैं, खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं, खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, अपनी शांति भंग कर देते हैं। गुस्सा करने का मतलब है दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। गलती दूसरा कर रहा है, परेशान हम हो रहे हैं, क्या हम सामने वाले को गलती करने से रोक सकते हैं? हम अपने आप को रोक सकते हैं कि सामने वाला कुछ भी करे, कितनी भी बड़ी गलती करे, हमने अपना आपा नहीं खोना है। जब गुस्सा आता है कहते आज तो मेरे सीने में आग लगी हुई है, मतलब कौन जला पहले, किसके सीने में आग लगी, जला कौन, नुकसान किसका, पहले हमारा नुकसान फिर सामने वाले का नुकसान। जो डांट मारेगा पहले वो गुस्से में आएगा, डांट सुनने वाला तो हो सकता है उसको असर ही ना हो, और हम परेशान हो रहे हैं। कहते गुस्सा करना, गुस्सा और आंधी दोनों एक समान है। आंधी तूफान आता है ना, गुस्सा और आंधी दोनों एक समान है, जब चले जाते हैं तो पता चलता है नुकसान कितना हुआ, क्या क्या नुकसान तूफान से हो गया, बाद में पता चलता है। जब गुस्से में भी लोग लड़ते हैं उस वक्त तो पूरा जोश होता है, जोश में आके आदमी होश गंवा बैठता है, भूल जाता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा तबाही मचाता है। गुस्सा हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। 14 किस्म के नुकसान गुस्सा करने से हमारी सेहत पे पड़ते हैं। जो लोग गुस्सा करते हैं वो हार्ट अटैक ज़्यादा उनको होते हैं, हार्ट रिलेटेड बीमारियों के शिकार वो ज़्यादा होते हैं, किडनी लंग्स की बीमारियां उन्हें ज़्यादा होती हैं,
उनका ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, पल्स रेट बढ़ जाएगा, उस व्यक्ति को नींद नहीं आती जो गुस्सा कर लेता है, एक दिन सारा रात सोचता रहता है कैसे सबक सिखाऊं उसको, उसको सबक पता नहीं कब सिखाओगे, पहले खुद को तो सबक सिखा लो कि शांत रहो, खुद तो आप डिस्टर्ब हो गए, खुद परेशान हो गए, उसको क्या इलाज करोगे। तो अब ध्यान देना है, गुस्सा डेंजरस है, गुस्सा डैमेजिंग है, गुस्सा हमारे लिए अच्छा नहीं है। शरीर की बीमारियां भी आजकल गुस्से और टेंशन के कारण होती हैं, ऐसी आजकल की मेडिकल साइंस मानती है। इसलिए गुस्से को छोड़ देना है। किसी ने कहा एक बार गुस्सा कर लो 72 घंटे तक उसका प्रभाव रहता है। कितने घंटे तक? 72 घंटे तक हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बिगड़ जाता है, ब्लड पॉल्यूटेड हो जाता है अंदर बॉडी में, बड़ी स्पीड से बहता है बॉडी में, उसको नॉर्मल आने में 72 घंटे लगते हैं। 72 घंटे बाद वो ठीक से उसका फ्लो स्टार्ट होता है, तब तक सब अंदर एबनॉर्मल रहता है एक बार गुस्सा करने से। और हम 72 घंटे में कितनी बार करते हैं, तो फिर बताओ अंदर का सिस्टम ठीक रहेगा या खराब होगा, बीमारियां लगेंगी या नहीं लगेंगी। अब अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि कुछ भी हो जाए हमने गुस्सा नहीं करना है, हमने एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक सीखनी है। एंगर मैनेजमेंट मीन्स टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली इन ऑल सिचुएशंस एट ऑल टाइम्स। कोई भी सिचुएशन, कोई भी टाइम हो, हमने पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। वो चिल्लाया, आप भी चिल्लाए, ये आपकी कमजोरी है, ताकत नहीं है। गुस्सा आपकी अपनी कमजोरी है, आपकी कमी है। कोई व्यक्ति आपको गुस्सा नहीं दिलाता, ये आपकी कमजोरी है। आप अपने गुस्से के खुद जिम्मेवार हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एंगर। वेयर देर इज एंगर देर इज डेफिनेटली डेंजर। जहां एंगर होगा वहां क्या होगा? डेंजर। एंगर के साथ डी लगा दो तो क्या बन जाता है? डेंजर। और डेंजर कहां लिखा होता है? बिजली के खंभे पे लिखा होता है ना डेंजर। एक खोपड़ी बनाई होती है, दो हड्डियां लगाई होती है नीचे, और वहां लिखा होता है अगर छुओगे तो मर जाओगे, ऐसे बन जाओगे जैसे ये खोपड़ी है, हड्डियों हड्डी रह जाओगे, नीचे दो हड्डियां दिखा रखी है। मतलब गुस्से वाला भी ऐसा ही रूखा सूखा ड्राई, सब उससे दूर भागते हैं। गुस्से वाले व्यक्ति को कोई पसंद करेगा? लोग कहेंगे भाग जाओ। और जो प्यार से बात करेगा सब उसके पास बैठेंगे, उसका हालचाल पूछेंगे। और जो गुस्से वाला होगा बच्चे भी डरेंगे बाप से, बाप आ गया छिप जाओ अपने कमरे में। कईयों के होते ना डरावने, बहुत डरा, मतलब रोब से, हमेशा रोब से बात करेंगे, हर वक्त दूसरे के ऊपर झाड़ लगाते रहेंगे, डांटते रहेंगे। नहीं, हमें प्यार से चलना है। हमसे दूसरा कैसा व्यवहार चाहिए हमें? हमें अच्छा लगेगा कि कोई हमें डांटता रहे, चिल्लाता रहे, गुस्सा करता रहे? जब हमें अच्छा नहीं लगता तो हमारा गुस्सा दूसरे को अच्छा लगेगा? गुस्से से हमारे सारे रिलेशन खराब हो जाते हैं, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मत मारी जाती है, आदमी थोड़ी देर के लिए अनकंट्रोल्ड हो जाता है, पागल हो जाता है, गलत से गलत काम गुस्से में आके व्यक्ति कर देता है, समझ खत्म हो जाती है। इसलिए गुस्से को छोड़ना है। कई लोग कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, टेढ़े आदमी के साथ टेढ़ा बनना पड़ता है। जो लोग शैतान किस्म के लोग हैं, ठीक तरह के नहीं हैं, लातों के भूत हैं, वो बातों से
नहीं मानते इसलिए गुस्सा करते, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। आप गुस्सा करेंगे, आप चिल्लाएंगे, वो भी चिल्लाएगा, वो भी कम नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, खाम खाम आपको परेशानी मिल जाएगी, कई बार तो मर्डर तक गुस्से के कारण होते हैं। जेल में आप चले जाओ, पूछो क्या किया था, कहेगा जी कुछ भी किया, बस मेरे से गोली चल गई गुस्से में आके मैंने उसको ऐसे ही मारा, वो मर गया, अब क्या करूं। ज्यादातर लोग गुस्से के कारण ही जेल में पहुंचे होते हैं। कई कहते हैं कि अगर दूसरे से काम करवाना है तो गुस्सा तो करना पड़ता है, नहीं तो छोटे लोग, आपके नीचे के लोग, आपके बच्चे, जब तक चिल्लाओ नहीं, चीखे शोर ना मचाओ, तब तक आपकी बात सुनी नहीं जाती, इसलिए डांटना पड़ता है। क्या ये सच है? लोग प्यार से ज्यादा अच्छा काम करते हैं या गुस्से में? गुस्से से डांटो फिर अच्छा काम करेंगे। हम चिल्ला इसलिए रहे हैं, हम गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्यार से बात करना नहीं आता, प्यार से काम करवाना नहीं आता, प्यार में कमी है, उस कमी को छिपाने के लिए हम चिल्लाते हैं ताकि काम तो हो जाए। हमें लगता है एंगर इज द वे टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल। अगर दूसरे से काम कराना है तो गुस्सा करना पड़ेगा, लेकिन जब हमें खुद काम करना है और दूसरे ने हमसे कराना है तो भी हमें डांट खा कर काम करना अच्छा लगता है, तब हम क्या कहते हैं, ये बात आप प्यार से कहते तो मैं ज़्यादा अच्छा काम करता, काहे को खाम खा डांट रहे हो, मैं ऐसे ही काम कर देता, डांटोगे गुस्सा करोगे तो भी मैं नहीं करूँगा। हमें लगता है कि दूसरा प्यार से बात करे तो मैं काम करूँ, और जब हमने किसी से काम कराना है तो हम उल्टे हो जाते हैं, हमें लगता है गुस्सा करेंगे तो काम होगा। अब बताओ, फिर हम कहते हैं किसी से अगर गलती हो गई, अब उसको गलती कैसे पता चलेगी उसने गलती की है, तो हम जोर से बोलेंगे, चिल्लाएंगे, डांटेंगे, उसे पता चल जाएगा कि उसने गलती की है। क्या ये सच है? दूसरे को गलती का एहसास केवल चिल्ला के किया जा सकता है या प्यार से भी कराया जा सकता है? अच्छा, गलतियां हमसे नहीं होती क्या? क्या हम गलतियां नहीं करते? हम दूसरे की गलती के लिए जज बन के, धर्मराज बन के उसको सजा देने के लिए तैयार हैं, क्या हमसे गलती नहीं होती? जब हमसे गलती होती है और दूसरा गुस्सा करे, दूसरा चिल्लाए, तो हम उनको कहते हैं, भाई साहब मुझे समझ आ गया, आप ये बात प्यार से भी तो समझा सकते हो, तो हमें लगता है वो प्यार से बोले, और जब दूसरा गलती करे तो हम तलवार लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको डांटना शुरू कर देते हैं। अपने लिए अलग फार्मूला है, दूसरे के लिए अलग फार्मूला है, जो आपको पसंद है वही दूसरों को भी पसंद है। जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं, अब आपको भी वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना है, तब गुस्से को जीत पाएंगे। इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, गुस्से की जगह प्यार भरना पड़ेगा, गुस्से की जगह सहन शक्ति को लाना पड़ेगा। हर बुराई को एक अच्छाई से खत्म किया जाता है। नफरत को खत्म करना है तो प्यार लाना पड़ेगा, गुस्से को खत्म करना है तो सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। होंठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है, होंठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है, फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता, तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता, जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। अगर कुछ जीवन में करना है, जीवन को खुशियों से बिताना है, महान बनना है, तो सहन तो करना पड़ेगा। जो भी संसार में महान व्यक्ति बने, जिन्होंने कुछ करके दिखाया, केवल और केवल सहन करके दिखाया, सबको सहन करना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति
दुनिया में बड़े से बड़ा नहीं हुआ जिसे सहन ना करना पड़ा हो, लोगों की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ी, लोगों के क्रिटिसिज्म आलोचनाएं सुननी, कमेंट सब सहा, बड़े बड़े आरोप लगे उनके ऊपर वो भी सहा, कईयों ने उनको जहर तक दे दिया वो भी सह लिया, उनके लिए बुरा नहीं सोचा। सहन शक्ति है, कमजोरी नहीं। हम लोगों को भ्रम है कि सहन करना, शायद लोग सोचेंगे कि ये गुस्से में बोला और ये चुप रह गया तो सोचेंगे ये शायद कमजोर है। नहीं, सहन करना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी ताकत है, याद रखिए। कमजोर तो वो है जो छोटी छोटी बात पे उत्तेजित हो जाता है, जो छोटी छोटी बात पे बिगड़ जाता है और चिल्लाने लग जाता है, गुस्सा कर लेता है, वो कमजोर है। सहन करना आपकी बहुत बड़ी ताकत है, ये मजबूरी नहीं, बहुत बड़ी मजबूती है। सहन जो करता है वही सहनशाह बनता है। जो सह गया वो रह गया इस दुनिया में, और जो घबरा गया, जो कहता मेरे से नहीं सहा जाता, तपता कौन है? लकड़ी तपती है या सोना तपता है? लकड़ी को तपाओ जल जाती है, खत्म, राख। हम भी जल जाते हैं अगर गुस्सा करते हैं, और सोने को जब तपाएं, सोना सहन कर लेता है, जलता नहीं, इसलिए वो निर्मल हो जाता है, उसकी अशुद्धि निकल जाती है। तो अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, सदा सोचना है अगर गुस्से को जीतना है कि हमें किसी के एक्ट को किसी के काम को तो हम कह सकते हैं ये गलत है, पर वो काम करने वाला गलत नहीं है। आप पापी से नफरत नहीं कर सकते, पाप से नफरत कर सकते। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, आप सोचो इसका काम गलत है, ये गलत नहीं है। वो तो आत्मा है, वो तो जैसा है, जैसा उसको अच्छा लगता है ऐसा वो करेगा। यू कांट डिसलाइक ए एक्टर, यू कैन डिसलाइक ओनली हिज एक्ट। हम उसके कार्य को डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया एक ड्रामा है, यहाँ हम सब एक्टर हैं, हम सब एक्टर अपना अपना रोल निभा रहे हैं। निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे? हर एक को एक भूमिका मिली हुई है, हमें अपना रोल अच्छी तरह से निभाना है और दूसरे के पार्ट को साक्षी होके देखना है। जो वो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, हमने उसके पार्ट में दखलंदाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये दुनिया एक ड्रामा है। ये वरदान आज आपको मिला होगा, टॉनिक, इस टॉनिक को आप बैठे बैठे रिपीट करेंगे, बैठे बैठे करेंगे या खड़े होके? खड़े होके, वेरी गुड, एक्टिव हो जाओगे। उठक बैठक होती रहनी चाहिए। आज दो कार्ड मिले हैं, पहले कार्ड में आपको बताया गया है जो मैंने अभी रिपीट किया कि ये सृष्टि बहुत सुंदर ड्रामा है और हम सब इसमें एक्टर हैं। तो सभी हाथ आगे रखते हुए इसको रिपीट करेंगे और घर में जाके रिवाइज भी करेंगे कि इस सृष्टि रूपी नाटक में मेरा पार्ट बहुत सुंदर है, मुझे अपने पार्ट का आनंद लेना है और दूसरे के पार्ट को साक्षी होके देखना है। यहाँ सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए सभी निर्दोष हैं। इस ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। मैं जो चाहूं वही दूसरे करें, या इस ड्रामा में संभव नहीं है। ज्यादातर गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि लोग हमारा कहना नहीं मानते, जो हम चाहते हैं वैसे नहीं चलते। याद रखो ये संभव नहीं है। जो आपको अच्छा लगा वो दूसरे को भी अच्छा लगे जरूरी नहीं है, वो करेगा जो उसको अच्छा लगेगा। इसलिए उसके पार्ट को देख के आपने डिस्टर्ब नहीं होना है,
वो जो कर रहा है उसको साक्षी होके देखना है, अपना पार्ट अच्छे से अच्छा बनाना है। हम रामायण में किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम रावण का रोल क्यों प्ले कर रहे हो, तुम मंथरा का रोल क्यों प्ले कर रहे हो, तुम ककई का क्यों कर रहे हो। हर एक को अलग अलग रोल मिला हुआ है। लक्ष्मण लक्ष्मण का रोल प्ले करेगा, श्री राम श्री राम का रोल प्ले करेगा। हर व्यक्ति को जो रोल मिला है वो वही प्ले करेगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो रोल हमें मिला है वही प्ले करना है। अब दूसरा कार्ड आपके सामने आ रहा है जो हमें बताता है कि मुश्किलों से हमें घबराना नहीं है। जैसा गीत आपने सुना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वही सार इस गीत में है, इस टॉनिक में है। ये टॉनिक रोज लेना है तो सेहत अच्छी रहेगी, तंदुरुस्त रहोगे, बीमारियों का शिकार नहीं होंगे। तो दूसरे को भी रिपीट करेंगे कि मुझे मुश्किलों के बीच में भी मुस्कुराना है, मैं समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ, समस्याएं मेरा इम्तिहान है जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे अपने मन की स्थिति नहीं बिगाड़नी है। बातें आएंगी और जाएंगी भी, पर मुझे अपनी खुशी जाने नहीं देनी है। तो ये टॉनिक डेली आप लेंगे, सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। ये बार बार पढ़ने हैं, इसलिए आपको लिए स्पेशल प्रिंट करके रखे हैं। ये याद हो जाने चाहिए आपको कि मैं ताकतवर या समस्याएं ताकतवर, कौन ज्यादा ताकतवर। मैं ताकतवर हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा खुदा है, मेरा वो ईश्वर मेरे साथ है। जिसका साथी हो भगवान, उसे क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। तो ये बातें याद रखेंगे। एक चीज और लास्ट में जाते जाते आपको बता दें, अगर गुस्सा जीतना है ना, सीधा सा फार्मूला है क्या, जो गुस्सा जिस पे आए ना उस पे गुस्सा करने के बजाय तर्स करो, रहम करो, दया करो। जो व्यक्ति गलती करे, आप उसके ऊपर उसकी गलती की सजा देने के बजाय आप तर्स करो, बेचारा इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसकी समझ ही इतनी है, इसकी जितनी क्षमता है उस अनुसार कर रहा है। अगर आप तर्स करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। बड़े बड़े आदमियों ने तर्स किया। जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ा दिया गया, उन्होंने क्या कहा कि जिन्होंने मारा मुझे उनको भी मारो, नहीं, उन्होंने कहा हे भगवान इन्हें सद्बुद्धि दो, इन्हें माफ कर दो, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे, ये बेचारे इन्हें पता नहीं कि ये गलत काम कर रहे हैं, ये मार रहे हैं, इनको माफ कर दो। बड़े महात्मा गांधी ने क्या कहा, तर्स किया, जो उनको एक मार गया वो कहते दूसरा भी मार दे। घर में बुजुर्ग तर्स करते हैं पोतों के ऊपर या थप्पड़ मारते हैं। मान लो पोता दादाजी की मूछें पकड़ ले, उनके कंधे पे सवार हो जाए, पगड़ी को हाथ लगा दे, वो क्या कहेगा, कहेगा बच्चा है छोटा है, तर्स करेगा। ऐसे ही आप भी दूसरों के ऊपर तर्स, रहम करो और उनको माफ करना सीखो। असली में आप उनके ऊपर तरस नहीं कर रहे, अपने ऊपर तरस कर रहे हो, क्योंकि खुशी आपकी कायम रहेगी। गुस्सा किया तो खुशी आपकी जाएगी, सेहत आपकी खराब होगी और आपका गुस्से का संस्कार बन जाएगा। गुस्सा एक बुराई है, इसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ना है। ये आपकी अपनी कमी कमजोरी है,
ये आपकी ताकत नहीं है। आज से प्रतिज्ञा कर लो, कुछ भी हो जाए हमने अपने मन की स्थिति खराब नहीं करनी है, हमने अंदर से हलचल में नहीं आना है, हमने चिल्लाना डिस्टर्ब नहीं होना है। कर सकते हैं, करेंगे आज से ये संकल्प? जो कहते हैं आज से हम गुस्से को विदाई दे देंगे वो हाथ हिलाओ। आज से कुछ भी हो जाए हमने गुस्सा नहीं छोड़, गुस्सा पक्का छोड़ देना है। कोई कुछ भी कहे हमने पत्थर बन के बुत बन के सुनते रहना है। करेंगे? मूर्ति क्या होती है? मूर्ति किस पत्थर की बनती है बताओ? जो पत्थर हथौड़े खा खा के हर हथौड़े को सहन करता है भी टूटता नहीं है। जो पत्थर टूट गया वो मूर्ति बनती है, उसको फेंक दिया जाता है मंदिर के जहां से आप गुजरते हैं वहां उसको लगा दिया जाता है। और जो हर हथौड़ा सहन कर गया वो मूर्ति बन गई, उसकी पूजा होती है। अगर आपने भी पूजनीय बनना है, आपने भी सबके प्यारे बनना है तो सहन करना है। सहन कर गए तो सहनशाह बन जाएंगे। लास्ट में 2 मिनट के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए आज के सत्र को समाप्त करेंगे। अपने अपने स्थान पे सभी शांति से बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होके पांव आगे करते हुए रिलैक्स मुद्रा में, और अपने आप से बात करेंगे, अपने आप को कह देंगे आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। सबके साथ प्यार से बात करूंगा, प्यार की बोली बोलूंगा, मुझे ये जीवन प्यार से काटना है, इसलिए अपने आप को प्यार से भरपूर करना है। गुस्सा मेरी अपनी कमजोरी है, मेरी बुराई है। अब मुझे इसके ऊपर जीत पानी है। गुस्से की जगह सहन शक्ति विकसित करनी है। मैं गुस्सा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे खुश रहना है। मुझे ये जीवन हंसते हंसते काटना है, सबको सुख देना है, सुख लेना है, किसी को भी ना दुख देना है ना दुख लेना है, सबके लिए दुआएं ही दुआएं देनी है। मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, ये वादा मैं आज भगवान के साथ कर रहा हूं कि मुझे गुस्से को हर हाल में छोड़ना है। जब भी गुस्सा आने लगे खुद को याद दिला देना कि मैंने तो गुस्सा छोड़ दिया है, मैंने तो भगवान को साक्षी मानकर गुस्से का दान दे दिया है। मेरी ओरिजिनल नेचर प्यार की है, गुस्सा तो बुराई है, मुझे अपने जीवन में अगर खुशियां लानी है तो गुस्सा तो छोड़ना ही है। आज से मैं गुस्सा छोड़ चुका हूँ, भगवान मुझे शक्ति दे रहे हैं गुस्से के ऊपर जीत पाने की। आज से मैं क्रोध मुक्त बन गया हूँ,
मेरा ये भगवान के साथ वायदा है। ओम शांति, ओम शांति। अंत में यही कहेंगे, जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे। ऐसे क्रोध मुक्त बन जाओ जो तुम्हें सारा जहां सलाम करे। थैंक यू वेरी मच।